इंडिया का ज्योतिष विज्ञान। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की खराब दशा और रिश्तों की समस्या दूर करने के कई उपाय बताए गए हैं। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, लेकिन कभी ग्रह नक्षत्रों के टकराव से इनके भी आपसी संबंध बिगड़ जाते हैं। पति पत्नी के बीच थोड़ी बहुत नोकझोंक होना आम बात है, लेकिन कभी कभी यह लड़ाई झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि बात तलाक तक भी आ जाती है। पति पत्नी के इन आपसी कलह से परिवार टूटने के कगार पर आ जाते हैं। ज्योतिष में सिंदूर से जुड़े कुछ कारगर उपाय बताए गए हैं, जिन्हें अपनाने से घर का कलेश खत्म हो जाता है और पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। पति पत्नी के बीच में हमेशा झगड़े होते हैं तो पत्नी को रात में सोते समय पति के सरहाने सिंदूर रख देना चाहिए। अगले दिन पति उस सिंदूर को कहीं ले जाकर गिरा दे। यह उपाय करने से पति पत्नी के बीच में संबंध और अधिक सुधरने लगते हैं। रविवार की रात को पत्नी थोड़ा सा सिंदूर बिस्तर पर उस जगह बिखेर देना चाहिए जिस तरफ पति सोते हैं। अगले दिन पत्नी स्नान के बाद वही सिंदूर अपनी मांग में भर ले। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच का तनाव भी दूर होता है। पति के सोने से पहले रोज केसर वाला दूध पीना चाहिए और पत्नी को अपने हाथों से सोने की चूड़ियाँ पहननी चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और सुखी रहता है। पति पत्नी को शुक्रवार के दिन साथ में माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और उन्हें सिंदूर अर्पित करना चाहिए। माँ को अर्पित किए हुए सिंदूर से पत्नी को अपनी मांग भरनी चाहिए। इससे पति पत्नी के बीच में प्यार और अधिक बढ़ता है। पति पत्नी को हर दिन जल में गुड़ और सिंदूर डालकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इससे भी दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। गोमती चक्र को सिंदूर की डिब्बी में रखने से पति पत्नी के बीच होने वाले झगड़े हमेशा के लिए खत्म होने लगते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्रवार को किसी कन्या को सफ़ेद रंग की मिठाई खिलाने से जीवन साथी के साथ रिश्ते और मजबूत होते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रू मीडिया का ज्योतिष विज्ञान। यह चैनल आपको कैसा लगता है हमें कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताएं। और जिन साथियों ने इस चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, वे सब्सक्राइब भी करें। हरे कृष्णा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।